हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल फूड मेस्टिक फिट द वर्ल्ड। दोस्तों, आज हम बनाने वाले हैं रबड़ी रेसिपी। दोस्तों, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो जरूर सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को दबाना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, हम बढ़ते हैं आगे और सबसे पहले इंग्रीडियंट्स देख लेते हैं। कार्डमम पाउडर, 3 से 4 टेबल स्पून शुगर, स्लाइस्ड आलमंड्स कटे हुए एंड 1.5 लीटर दूध। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की रेसिपी। जैसे यहाँ पर कढ़ाई मैंने ले ली है और कढ़ाई में हम ऐड कर रहे हैं 1.5 लीटर दूध। दोस्तों ध्यान रहे, दूध को हमें अच्छे से कंटिन्यूसली स्टीर करना है ताकि दूध जो है नीचे ना लगे। दोस्तों आप देख रहे हैं कि इस तरह से हम स्पैचुला से इसे कंटिन्यूसली स्टीर करते रहना है ताकि दूध जो है नीचे ना लगे और दूध को हमें अच्छे से रिड्यूस करना है। और जैसे ही दूध जो है 1/2 लीटर रिड्यूस हो जाता है, हम इसमें ऐड करेंगे कार्डमम पाउडर एंड शुगर। इस तरह से हम इसे अच्छे से चलाते रहेंगे। मीडियम फ्लेम में हमें इसे पकाना है। दोस्तों आप देख रहे हैं कि दूध जो है अच्छे से रिड्यूस हो चुका है। अब बारी है इसमें ऐड करने की कार्डमम पाउडर एंड शुगर। कार्डमम पाउडर मैंने ऐड कर लिया है और अब हम इसमें ऐड करेंगे 3 से 4 टेबल स्पून शुगर। दोस्तों इससे ज्यादा हम शुगर ऐड नहीं कर रहे हैं इसमें। ध्यान रहे, अगर आप इससे ज्यादा शुगर इसमें ऐड करेंगे तो रबड़ी जो है और मीठी हो जाएगी। और अब हम इसे अच्छे से मिला लेंगे और दूध को हमें अब और रिड्यूस करना है, एक पोरिंग कंसिस्टेंसी में लाना है। दोस्तों आप देख रहे हैं कि दूध जो है एक अच्छी सी पोरिंग कंसिस्टेंसी में आ चुका है। अब हम फ्लेम बंद कर लेंगे और इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे। दोस्तों आप देख रहे हैं कि रबड़ी जो है अच्छे से बनके तैयार है। आप देख सकते हैं अच्छे से ठीक हो चुकी है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आप मेरी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं तो नोटिफिकेशन बेल को दबाना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।